ये मूंगफली एक मेरे को दे देना यार प्लीज। एक मेरे को ठीक है। मैं जा रहा हूँ मार्केट और अब मार्केट पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। मुझे समाचार आया कहीं से, तो देखते हैं वहाँ क्या क्या मिल सकता है। और राशि बोल रही है क्या लेके आने? दो पैकेट सूजी और दही और इनो। इनो मतलब कुछ बनने वाला है तो इटली 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 इडली बोलते हैं। हाँ इडली इडली राशि पहले इटली बोलती थी। मैं भी इटली बोलता था। हम लोग एक दिन इटली जरूर जाएंगे। मेरा और राशि का पासपोर्ट तो है, अब देवान से रुद्रांश का बनाना है। हाँ, तो इटली वाला हम आ रहे हैं। और अब मैं मिलता हूँ आपको सीधा मार्केट में। मार्केट की तरफ चले, देखो रास्ता कैसे टूट सा गया है यहाँ पर। अबे ये क्या है, पीला डब्बा? दोस्तों ये बड़ा डरावना है, क्योंकि आप अगर मेरे एक दो ब्लॉग पीछे देखोगे तो मैंने डाल रखा है भूत वाला वीडियो। तो उसमें जो भूत होती है ना औरत, वो ऐसे ही पीला डब्बा बजाती थी नदियों में। सामने नदी है यार, ये तो बड़ा डरावना हो गया। मैं बैजरो पहुंच चुका हूँ। जैसे मैं बैजरो पहुंचा, मुझे यहाँ पर मेरी बहन दिख गई और मेरी एक भांजी दिख गई जिसकी होने वाली है शादी। तो चलो दिखाते हैं उसकी मेहंदी। ये देखिए मेरी बहन भी मुझे मिल गई है बैजरो में। और यह है ज्योति, इनकी यह इनकी शादी होने वाली है। कब? नवंबर में। दिखाना अंगूठी। यस यस, बहुत बढ़िया है। मेहंदी दिखा दी, ये देखो। और मेरी बहन ने ही लगा रखी है मेहंदी। लेकिन मेहंदी तो सगाई में लगती है। तो सगाई तो थी। अच्छा सगाई थी, मुझे लगा मंगनी हुई है। अरे मजाक कर रहा हूँ। तुम्हें और तुम्हारे लाइफ पार्टनर हस्बैंड को बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद। और चिकन उकन ले जाना? चिकन नहीं ले जाने? चिकन ही खाना। बाय बाय बाय। तो दोस्तों बैजरो मार्केट बिल्कुल चकाचक खुला हुआ है और आज शाम 5 बजे तक खुला हुआ रहेगा। मुझे मिले हैं अंशुमन और अभिरल जो कि स्माइल कर रहे हैं। तो अंशुमन किस लिए आ रहे हो तुम बैजरो? घूमने। घूमने और बाल कटाने। बाल कटाने। और अभिरल तुम? बाल कटाने। बाल कटाने। तुम्हारे बाल तो मस्त लग रहे हैं, मम्मी ने बोला। अभी मैं बैजरो के बिल्कुल एंड में खड़ा हूँ और यहाँ पर ये हमारे भाई भी और नीरज बिस्ट फ्रॉम लोदली। और नीरज बिस्ट देहरादून में भी रहते हैं जी। तो आप इनवाइटेड हैं, कभी भी आइए देहरादून। और देहरादून के मोमोज तो आपको पता ही है। देहरादून के मोमोज बेस्ट नहीं, सुपर बेस्ट है। सुपर बेस्ट है, वर्ल्ड बेस्ट वर्ल्ड के बेस्ट है। इवन मेरी मम्मी, मैं नाम जरूर लेना चाहता हूँ, श्रीमती अनीता बिस्ट, उन्होंने भी और भाई लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है। और नेगेन फैमिली अपने आप में कितना बड़ा उत्तराखंड में एक नाम हो चुका है। और केवल उनका जो है हार्डवर्क है और उनकी मेहनत है, इसलिए और कंसिस्टेंसी मैं बोलूंगा पूरे इंडिया में होना बिल्कुल। हमें बहुत गर्व होता है क्योंकि हमें उत्तराखंड में नेगेन फैमिली की वजह से भी जाना जाता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अभी तो 2 लाख होने वाले भैया के सब्सक्राइबर, हम चाहते हैं कि लाखों करोड़ों में हो जाए। 1 मिलियन नीरज बिस्ट जो है वो टीचर है जी, टीचर है। और नीरज बिस्ट की मॉम जो है वो हमें बहुत पसंद करती है जी। आंटी जी आपको मेरा प्यार भरा प्रणाम। और आपका लड़का बहुत ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट और बहुत अच्छा है, इसकी जल्दी से शादी करा दीजिए। हो जाएगी, ढूंढ रहे हैं भाई के लिए। पक्का पक्का, बहुत बहुत धन्यवाद। और आंटी जी को भी प्रणाम, काशी भाभी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। रुद्धु और देवांशी के लिए प्यार। ठीक है भैया, हमारे चाहने वाले। और तो आप यहीं पर पढ़ती हो कि रहती हो? मतलब भारत में रहते हैं, फैमिली रहती है। यस, ये कितने का? ये एक कम करोगे ना थोड़ा? 100 रुपये। 100 मेरे फेवरेट दुकान। हम बोलो तो जल्दी हो जाएगा। तो ये भाई शादी हो रही है इनकी, तो ये ले जा रहे हैं ये। इनको क्या बोलते हैं? टोजो तो नहीं है, लवली है। सौंप सौंप। हाँ तो भाई की शादी है कुछ दिन बाद, तो ये देखो दो दिन बाद। कॉन्ग्रेचुलेशन यार, आपको मुबारक हो। और आपकी वाइफ कहाँ से है?
यहीं से है क्या? सरिया खेत से। सरिया खेत से और फिर इनको दिल्ली ले जाओगे? हाँ। और हनीमून के लिए कहाँ जाओगे बताओ? आजकल तो कहीं नहीं है। किरायानी बढ़िया। गोवा? आजकल नहीं, आजकल कोरोना है। चलो कांग्रेचुलेशन यार, बहुत बहुत। दो दिन बाद भाई की शादी है। रुद्रांश आ गया है। मुझे आए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। डैड पापा, तुमने गाड़ी ला रखे? यस, मैंने रुद्रांश के लिए खिलौने ला रखे हैं। जो मैंने बोला वो ला रखे सब है। हाँ, तो अभी क्लास ली जाएगी अगर नहीं लाए। अच्छा, ठीक है। हाँ, पहले सैनिटाइज। ठीक है, ठीक है। वैसे मैंने ऑलरेडी कर दिया सैनिटाइज, लेकिन अपने दिल की तसल्ली कर लो। नीचे बैठ जा तू। दही गुड लेके आए, ठीक है? नहीं, ये मैंने नहीं मंगाया। ये ब्रेड मुझे भी खाने के। ठीक है, ठीक है। मशरूम आपकी फेवरेट है क्या? जब भी मार्केट जाते हो तभी लेके आते हो? मुझे अच्छी लगती है। वेरी फनी। आओ, ये तो मैं बनाऊंगी अभी। ये रुद्रांश के लिए पॉपकॉर्न, और ये भी मैंने मंगा रखी। ये मूंगफली। हाँ, मूंगफली, और ये कच्चा नारियल। और ये कभी कभी जरूरत पड़ जाती है ना। अरे इसको मत बताओ, ये तो सुबह शाम उसको खाएगा नहीं। तो ये चॉकलेट, ये रुद्रांश के लिए और देवांश के लिए दिया है। और ये है ड्रिंक। क्या है ये? क्या है? फिगर ऑयल। हाँ, ऑलिव ऑयल। ये कभी कभी अंडा बनाता हूँ ना। ये सूजी। सूजी? किसकी सूजी? मेरे पति की सूजी। ये हमारी सूजी है। इनो भी ला रखा मैंने, इनो। ये गोलगप्पे देखो, हमारे पास एक गोलगप्पे का ऑलरेडी पड़ा हुआ है, फिर मैं दूसरा भी ले आया, पता नहीं क्यों। उसको हम खाएंगे पहले। वाव चीज। ये यार, ये देखो मेरे को, आई लव दिस। ये अमूल चीज है, ये मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं ब्रेड कुछ रेसिपी बनाऊंगा तो मुझे पसंद है। चलो, मतलब हम कुछ रेसिपी खाएंगे अपने पति के हाथ। यस, ये मूंगफली एक मेरे को दे देना यार प्लीज। एक मेरे को, ठीक है? तेरे का भी, तेरे का भी। सब तुम्हारा है देवांशी, सब तुम्हारा है। What is this? ये मक्खी ना, जब मैं काम करता हूँ लैपटॉप पे उस वक्त, उस वक्त। और ये सॉस है, पास्ता पिज्जा सॉस। पास्ता पिज्जा सॉस। अब रुद्रांश के लिए क्या होगा देखते हैं। इसमें कुछ सब्जी है। इसमें कुछ है रात का खाना। गाइस, मैं अपने गाड़ी निकाल रहा हूं। ये देखो क्या है, गाड़ी। गाइस, पहले ब्लू वाली गाड़ी भी है। हाँ? और रेड वाली गाड़ी भी है। ये गाइस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग सो हैप्पी। ये बारिश होने लग गई। बारिश आने दे दो, आपके सामान जल्दी जल्दी सामान और पापा पापा। ये तो डंप ट्रक है। हाँ, क्या है ये? डंप ट्रक। अभी अभी पता क्या, इतनी तेज धूप थी ना, मतलब खेत में रहा नहीं जा रहा था, लेकिन अभी अभी अचानक से बारिश आ गई। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने 1 महीने पहले ही फूलों के बीज बोए थे और देखो अभी पौधे कितने बड़े हो गए हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि मतलब कौन सा पौधा कौन सा फूल, फूल कौन सा पौधा, समझ रहे हो ना आप? जेसीबी है। ये है जेसीबी। ये मिट्टी उठाता है। मिट्टी जहाँ पे रहती है ना, उसको ऐसे करके इकट्ठे करता है और फिर इसको ऐसे लेके ऐसे करके और फिर ऐसे फेंक देता है। गाइस, देखो मेरा डंप ट्रक कितना अच्छा है। ये मेरा योगा मैट, ये भी अपने आप ही सूख रहा है बारिश में। देवू, ये मंदिर है, ये मेरा है। बारिश हो रही है बाहर। दादी भी उड़ गई है।